नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि इसकी वजह से आप और हम जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंच पाए। हेलो गाइस, मैं खुशी रूप का स्वागत करती हूँ हैचे न्यूज में। IAS जो इंटरव्यू होती है वो काफी ज्यादा कठिन होती है, और जब अगर कोई परीक्षा पूरी कर भी ले तो और उसके बाद जब सबसे ज्यादा कठिन क्या होता है वहाँ के इंटरव्यू में ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि इस सवालों के जवाब हम लोग कैसे दे। कोई अगर नॉर्मल इंसान रहे तो एक्चुअली में उसका जो माइंड रहता है वो एक गलत तरीके से ही सोच पाएगा, पर यहाँ पर डबल मीनिंग ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि आप अपनी सोच से समझ से आप कैसे उनका जवाब देते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि एक महिला IAS ऑफिसर परीक्षा कंप्लीट करने के बाद वो इंटरव्यू पे गई और उससे कुछ ऐसे 3 सवाल पूछे गए जिसके बारे में उसको काफी ज्यादा, अगर कोई लड़की से पूछा जाए तो लड़की को गुस्सा आ जाएगा, पर अगर जो उससे पूछा गया सवाल उसने जिस तरीके से समझ से वो जवाब दिए वो काफी ज्यादा काबिल-ए-तारीफ थे। हम आपको कुछ सवाल पूछेंगे, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में। तो गाइस, सबसे पहले आपके लिए एक IAS का एक ऐसा सवाल है जो कि इंटरव्यू में एक लड़की से पूछा गया। उस लड़की से ये पूछा गया कि किस वक्त लड़कियां अपने सारे कपड़े उतार देती हैं। तो गाइस, आप लोगों के माइंड में कुछ अलग सी चीजें आ रही होंगी, गलत चीजें आ रही होंगी, पर IAS जो ऑफिसर्स बनने वाले होते हैं उनको बहुत ही सोच समझ के जवाब देना पड़ता है। तो चलिए जल्दी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अभी इसका आंसर दे दीजिए। तो गाइस, आप लोग को क्या लगता है कि आंसर क्या होगा? अगर आप लोग को लग रहा है कि आंसर ये वो ऐसा वैसा होगा तो यहाँ पर नहाते वक्त कपड़े उतार देती हैं या कुछ वैसा सब चीजें करते हुए कपड़े उतार देती हैं, तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि लड़की पूरे कपड़े जब सूख जाते हैं तब वो तार से उतार देती है। ये सही जवाब है और आप लोगों को नेगेटिव शायद लगा होगा। अगर आपको नेगेटिव लगा तो भी बताइए, और इसका आंसर अगर आपने सोचा हुआ था तो भी बताइए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।